हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप पहले ये वीडियो देखिए। क्या कर रहा तू यहाँ पे? बैलेंसियागा नहीं पहनना। okay. बैलेंसियागा कभी नहीं पहना। गूगल करियो क्यों। एक कॉन्ट्रोवर्सी है बहुत गंदी। ओके, बैलेंसियागा ओके, गूगल इट, नेवर वेयर। मैंने सारे कपड़े जला दिए बैलेंसियागा के। ओके, मुझे मालूम नहीं था। बैलेंसियागा कभी नहीं पहनना। डन। ओके, ये गंदे लोग है। ओके भाई, आपने दारू पिया कि? तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, हनी सिंह ने बैलेंसियागा के ब्रांड को यूज करने से, उसे वियर करने से मना किया है। तो गाइस, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, यही सब जानने के लिए हमने गूगल किया तो बड़ी ही चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई। वैसे तो गाइस, बैलेंसियागा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो शर्ट, टी शर्ट, शूज बनाने में फेमस है, जिसे सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग ही वियर कर पाते हैं, क्योंकि गाइस ये आम लोगों के लिए वियर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। Most of the celebrities are wear this product. तो गाइस, बैलेंसियागा का मतलब क्या है, ये क्यों बार बार कॉन्ट्रोवर्सी में फंस जाते हैं? तो गाइस, जब आप बोलते हैं बैलेंसियागा, इसका मतलब होता है बाल इज द किंग। बाल एक काफिर देवता या बुद्ध का नाम है, जिसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। कहा जाता है गाइस, ये शैतानियत को प्रमोट करता है। जब लोग इनसे कोई दुआ मांगने जाते तो ये बच्चों की बलि मांगता था, इसका ऐसे बैलेंसियागा नाम पड़ा। जानते हैं गाइस, लोग इस ब्रांड से इतना खफा क्यों है? हाल ही में हुए ब्रांड प्रमोशन के लिए बैलेंसियागा ने कुछ फोटोशूट के लिए बच्चों को बुलाया गया। बच्चों के साथ इन्होंने ब्रांड प्रमोशन की फोटोज ली, तो वो फोटोज काफी आम लगी। जब उन फोटो को जरा गौर से देखा गया, दिखा कि जो उन्होंने बच्चों के हाथ में जो टेडी बियर दिए हैं, उसमें एडल्ट चीजों का यूज किया गया है। सोशल मीडिया में ये भी कहा गया है ये लोग सेक्सुअल को भी बढ़ावा देती हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बैलेंसियागा अपने नाम में ही शैतानियत को बढ़ावा दे रही है। यही कारण है बैलेंसियागा बार बार किसी न किसी कंट्रोवर्सी में बार बार फंस रही है। और शायद ये भी सकता है ये इनकी बिजनेस करने की स्ट्रेटजी हो। और इसे क्रिएटिव डायरेक्टर डेमिना पर बाल शोषण करने का आरोप लगाया गया। तभी इतना सब देखने के बाद बैलेंसियागा और डेमिना ने माफ़ी मांगी और अपना एड कैंपेन वापस लिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो इन फ्यूचर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं गाइस, आपको इस वीडियो में बैलेंसियागा के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। तो गाइस, अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।